देश की जनता का प्यार, देश की जनता का स्नेह उससे भी ज्यादा बढ़ करके मुझ पर बरसता है। जो लोग गिद्ध की तरह भी नौचेंगे तो, गिद्ध की तरह भी नौचेंगे तो भी ये मोदी देश के लिए जिएगा, देश के लिए जूझता रहेगा, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। देश की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, देश के लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी होगा वो करना, ये हम सबका दायित्व है, वो आपका भी दायित्व है, वो मोदी का भी दायित्व है। भाइयों बहनों, आपका ये आशीर्वाद इनकी हर साजिश को बेनकाब करेगा, इनकी हर साजिश को नाकाम करेगा। और दिल्ली के मेरे साथियों, मुझ पर आपके इसी स्नेह को देखते हुए मैं आज खास करके अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? मांगू? कुछ मांगूंगा तो बुरा नहीं मानोगे ना, लेकिन मांगूंगा फिर कुछ दोगे नहीं तो क्या होगा? मांगू, आप देंगे क्या? भरोसा करता हूं आप पर। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप दिल्ली के जिस भी इलाके में रहते हैं वहां पर अगले एक हफ्ते तक जबरदस्त सफाई का अभियान शुरू किया जाए, और 1 जनवरी नए साल का स्वागत और ज्यादा साफ सुथरी दिल्ली के साथ किया जाए। करोगे? सामूहिक रूप से करना होगा, कॉलोनी के सब लोगों ने मिलकर के करना होगा। करोगे? दूसरा काम, उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे? करेंगे? पक्का करेंगे? अपनी कॉलोनियों को आपको स्वच्छ बनाना है, बुरी आदतें हो, नशीले पदार्थ हो, उसको भी अपनी कॉलोनियों से पूरी तरह मुक्त करना है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप सभी लोगों के सहयोग से दिल्ली और भी निखरे, दिल्ली और भी सुंदर बने, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर दिल्ली के लाखों साथियों को अपने घर, अपनी जमीन के अधिकार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं दिल्ली में भी और देश में भी सभी आंदोलनकारियों से अहिंसा का रास्ता